है एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो कल जो मैं एयर फ्रायर लेकर आई थी वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। और आज है 31st, तो कुछ पार्टी तो बनती है, तो कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं आज, तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो ये एक दिन पहले की है, इवनिंग में सिर्फ हम लोग जो लुलू गए थे, ये सिर्फ एयर फ्रायर लेने गए थे, बस वही लेकर फिर हम लोग आ गए हैं। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं कैसा लेकर आई हूँ। तो ये ली थी मैं, ये एयर फ्रायर ली थी, तो यही है, ये ऐसा है कुछ। तो ये है, और यहाँ पे जो है पनीर जो मैरिनेट कर दी हूँ, और यहाँ पे चिकन जो कि एयर फ्रायर में बनेगा, ये चिकन और ये पनीर। तो ये हो चुका है, तो ये पनीर वाले जो है मैंने डाल दिए इसमें, और थोड़ी सी ग्रेवी वाली भी बनानी है चिकन, तो ये ग्रेवी वाली बन रही है इधर, तो देखते हैं कैसा बनता है। और ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, विदाउट तेल, विदाउट फ्राई किए हुए, बहुत ही यम्मी सा बन गया। यहाँ पे चिकन ग्रेवी वाली भी रेडी हो गई है, और ये बहुत ही यम्मी सा बना था, बहुत ही टेस्टी लगा खाने में। नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी जो है शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जो है पोटैटो भी फ्राई करी थी, तो बच्चे ये खा लिए थे। और ये हमारा चिकन भी फ्राई हो गया, ये देखिए चिकन कितना अच्छा से रोस्ट हुआ है। और सच्ची बताऊँ बहुत ही यम्मी बना था चिकन, तो बहुत ही यम्मी बना था, एकदम सॉफ्ट था वो। तो यहाँ पे हर जगह जो है फायरवर्क वगैरह हर जगह होता है यहाँ पे, तो ये देखिए बुर्ज खलीफा में हो रहे हैं। तो ये हमारे फ्रेंड के घर से दिखता है बुर्ज खलीफा, तो ये देखिए कितना, मतलब बहुत जगह ये फायरवर्क वगैरह हर जगह हो रहा था यहाँ पे, और बहुत ही ऑसम लगता है ये देखने में। तो ये आप लोग भी देखिए फायरवर्क जो है ये बुर्ज खलीफा में, आप लोग भी देख लीजिए ये। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है न्यू ईयर, तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड आप सब हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बस लास्ट ईयर जैसे गए हैं वैसे ही जाए, इस साल भी अच्छे से सब लोग हंसते मुस्कुराते रहे। तो मैंने पहना है ये सूट, जो कि मैं ली थी मिंत्रा से, ली थी मैं जब इंडिया गई थी, तो ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, तो उसमें मैं ये सूट ली थी, मैं आप सबको दिखाई थी। तो बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा है सूट। तो ये ली थी, और नाइट को सेलिब्रेशन वगैरह सब हुआ था, बहुत अच्छे से हुआ, फ्रेंड्स वगैरह आए थे, तो सब बहुत अच्छे से हो गया। और मैं कब से सोच रही थी मैं आप सबको दिखाऊं कि मैं क्या लेकर आई थी, इयररिंग्स वगैरह लेकर आई थी, ग्लोबल विलेज से मैं लेकर आई थी इयररिंग्स वगैरह, तो मैं कब से सोच रही थी मैं आप सबको दिखाऊं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने बनाया खाने में, खीर बनाई है, पनीर की सब्जी बनाई है, और आलू पराठे बनाए हैं, और कुछ नहीं बनाई हूँ, बस यही बनाई हूँ। तो नाइट का देखते हैं कि क्या होता है प्लान, या तो हो सकता है बाहर खाने जाए, या फिर खाना मंगवाएंगे बाहर से, तो देखते हैं नाइट में, क्योंकि नाइट में कुछ बनाने का मूड नहीं है खाना। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई थी वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। मैंने बिंदी लगाई है, तो आप सब बताना ये कैसा लग रहा है शूट, कैसा लग रहा है। और हाँ, ये मैंने ग्लोबल विलेज से ही मैंने ये लिए थे बैंगल्स, इसमें जो है ना मोती लगा हुआ है, वाटर मोती लगा हुआ है। तो ये है सबसे पहला, ये येलो कलर की है, बहुत ही प्यारा सा है, मैं दिखाती हूँ आपको पहनकर। इसका जो है अंदर चला जाते ही, एक ये ली हूँ मैं, प्यारा सा लग रहा है ना। तो ये मैं ली हूँ येलो कलर की, क्योंकि मैं पहनूंगी येलो कलर का, मेरे पास है एक सरारा येलो कलर में ही है, तो वो मैं पहनूंगी सरस्वती पूजा में, तो उसके लिए मैं ये लेकर ली हूँ, उसी के लिए मैं ये येलो इयररिंग्स ली थी। आप मेरे को बताना कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। जो है
सेकेंड है ये और सेकेंड है ये, तो ये दिखाती हूँ मैं पहन कर कैसा लग रहा है। मेरे को अच्छे लग रहे हैं, कैसा लग रहा है ये? अच्छे लग रहे हैं ना, तो मैं और लेकर आऊंगी जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना, तो और लेकर आऊंगी। और ये देखिए ये कितना प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा है ये, तो ये भी मैं पहनती हूँ। बस यही ली हूँ आप लोग, और ये सब जो है वो मैं अपने भाई की शादी में ली थी इयररिंग्स, तो वो है ये तो भाई की शादी की है उसमें ली थी मैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। कैसा लग रहा है मेरे को बताना आप, अच्छा लग रहा है इस पे? तो वाह, इसका नहीं लगाई थी बट ये भी अच्छे लग रहे हैं, नाइस। तो बस मैं यही सब लेकर आई थी, फाइनली मैं आप सबको दिखा दी। इयररिंग्स वगैरह लेकर आई थी, अब हो गया, अब तो कुछ अब नहीं है मेरे पास कोई इयररिंग्स जो मैं आप सबको दिखाऊं, सैड। और हस्बैंड जो है वो नीचे गए हैं, ऐसे ही कुछ कुछ सामान लेना था तो वो नीचे चले गए हैं लेने के लिए। मैं यहाँ पे बैठी थी तो मैं सोची चलो आप सबको इयररिंग्स वगैरह दिखा लूँ और अपना लुक दिखा दूँ कि मैं क्या पहनी हूँ। वीडियो पसंद आता है आप सबको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।